सौरभ गांगुली की बीसीसीआई अध्यक्ष पद से छुट्टी पक्की है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनेंगे 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन रहे रोजर बिनी। रोजर बिनी लेंगे दादा की जगह। भारत की 1983 की विश्व कप विजेता रहे टीम के नायक रहे रोजर बिनी का सौरभ गांगुली की जगह भारतीय बोर्ड का जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना इस बार तय माना गया है। गांगुली पिछले 3 वर्षों से बीसीसीआई अध्यक्ष है, 2019 से है और वो 18 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में बिन्नी के लिए अपना पद छोड़ देंगे। पिछले एक सप्ताह में चल रही जो गर्मा गर्मी चल रही है बीसीसीआई में, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। बेंगलुरु के रहने वाले 67 वर्षीय बिन्नी बोर्ड के 36वें अध्यक्ष होंगे इस बार। सोमवार की शाम को मुंबई पहुंचने वाले गांगुली ने कई प्रभावशाली व्यक्तियों से इस बारे में बातचीत की थी। गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बने रहने के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें बताया गया था कि बोर्ड अध्यक्ष पद के मामले में ऐसा चलन नहीं होगा। बीसीसीआई सूत्रों से ये भी पता चला कि सौरभ को आईपीएल के चेयरमैन पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और नामंजूर कर दिया था। उनका तर्क था कि बीसीसीआई अध्यक्ष बने रहने के बाद वो उसकी उपसमिति प्रमुख नहीं बन सकेंगे। बिन्नी 18 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली बीसीसीआई की एजीएम में आधिकारिक रूप से पदभार संभालेंगे। किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं होगा, क्योंकि सभी उम्मीदवारों को सर्वसम्मति से चुना गया है। मध्यम गति के गेंदबाज रहे बिन्नी ने 1983 के विश्व कप में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। आपको बता दें कि 8 मैचों में 18 विकेट लिए थे, तो उसे उस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड था। अध्यक्ष पद के लिए बिन्नी का चयन हालांकि चौंकाने वाला रहा। और आपको बता दें, रोजर एक अच्छे इंसान है जिन्होंने भारत की तरफ से खेलते हुए देश का मान बढ़ाया और ये विश्व कप के नायक भी रहे, और उनकी छवि साफ सुथरी है। जब उनका बेटा स्टुअर्ट भारतीय टीम में चयन के दावेदार बने, तो उन्होंने चयन समिति से इस्तीफा दे दिया था। धूमल के मामले में निर्णयकर्ताओं ने गांगुली के फैसले का इंतजार किया था, और जब उन्होंने आईपीएल चेयरमैन बनने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के रहने वाले धूमल को यह पद सौंप दिया था। अगले कुछ दिनों में अंतिम सूची जारी हो जाएगी, जिससे बीसीसीआई के शीर्ष परिषद और आईपीएल संचालन परिषद के सदस्यों के नामों का पता चल पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई सचिव पर बने पद पर बने रहेंगे।